Class, today we will do exercise 14.1 fill in the box. I will do in book, but you will do in your classwork copy. Question A, what is the shape of a postcard? पोस्टकार्ड का शेप कैसा होता है? तो पोस्टकार्ड का शेप रेक्टेंगुलर शेप में होता है, रेक्टेंगल, राइट, रेक्टेंगल. व्हाट इज द शेप ऑफ अ कॉइन? सिक्के का शेप कैसा होता है? कॉइन का शेप ऑल ऑफ यू नो, सर्कल. व्हाट, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग फिगर. फिगर इज गिवन एंड यू हैव टू राइट द नेम कि विच फिगर इज दिस. दिस इज बोथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल. इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल. इट इज रेक्टेंगल. इट इज सर्कल, राइट सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन सेकेंड, ज्वाइन द गिवन पॉइंट्स एंड ड्रॉ डायग्राम्स. राइट द नेम ऑफ ईच फिगर. हियर 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स गिवन इन योर बुक. यू विल ज्वाइन द पॉइंट्स एंड देन राइट विच फिगर इज दिस. ए बी मिलाया, ज्वाइन किया, बी डी ज्वाइन किया, ए सी ज्वाइन किया एंड सी डी ज्वाइन किया. तो ये कौन सा शेप बन गया? दिस इज रेक्टेंगल बन गया. हियर 3 पॉइंट्स गिवन ए बी सी. तीनों को ज्वाइन किया तो ये बन गया ट्रायंगल. यू विल राइट हियर ट्रायंगल. ट्रायंगल, ओके. क्वेश्चन 3, हाउ मेनी स्क्वायर डू यू सी इन दीज डायग्राम्स. ये डायग्राम्स दिए हैं, इनमें आपको कितने स्क्वायर्स दिख रहे हैं? तो दिस इज वन स्क्वायर, दिस इज टू स्क्वायर, दिस इज थ्री स्क्वायर, दिस इज फोर एंड वन बिग स्क्वायर इज, तो हाउ मेनी? 5 स्क्वायर्स. इन दिस फिगर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड देन 5 स्क्वायर. क्वेश्चन सी, हेयर दिस इज वन बिग स्क्वायर, देन हेयर दिस वन 2, देन स्मॉल वन 3, 4, 5 एंड 6 स्क्वायर्स. सो फर्स्टली यू विल डू इन योर बुक, देन फ्रॉम योर बुक यू विल डू इन योर कॉपी. लाइक दिस क्वेश्चंस लिखेंगे, डायग्राम्स बनाएंगे एंड देन राइट द नेम्स ऑफ ईच. ओके, समझ आ गया? अप टू हियर यू हैव टू डू इन योर क्लास वर्क, मैथ्स क्लास वर्क कॉपी एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू 14.2. थैंक यू.